Hi guys, good morning and a very warm welcome to you all. It's me Nayab Gul and you are watching Nayab Gul Vlogs. तो आ जाओ, सबसे पहले तो हम बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहे हैं, लिटरली दो दिन बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ. और ये धागा जो है ना, ये रिंग की वजह से लटका हुआ है, क्योंकि ये रिंग माशाल्लाह 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 मुझे वापस से मिल चुकी है. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की रिंग मुझे वापस से मिल गई. मैं इतनी परेशान थी इस रिंग के लिए, तो मैंने इस पर धागा लगा लिया और ये धागा इसमें से निकल गया. खैर, क्या कर सकते हैं. तो अभी सीन ये है कि मैंने नमाज अदा कर ली, मैंने सूरह वाकिया पढ़ लिया, मैं रेडी हो गई और जो मैं बालों में सीरम लगाना था सीरम भी लगा लिया, सो दैट मेरे बाल जो हैं अच्छे से नरिश हो जाएं, सिल्की हो जाएं और जितनी भी फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो जाए. तो इसके लिए मैंने सीरम अप्लाई कर लिया अपने बालों में. और अभी जो है मुझे भूख लगी है, मेरे खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है. और सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने सिर्फ घर के काम किए हैं, मैंने घर की सारी सफाइयाँ कर दी, बेडशीट चेंज कर दी. ये जो है मेरा नमाज का दुपट्टा पड़ा है बाय द वे, तो अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बस ये वाला सीन है. अब मैं जाऊँगी किचन में, किचन में जाके अपने लिए कुछ खाने पीने का बनाऊँगी. और आज मैंने प्योर देसी बनी हुई हूँ, देसी गर्ल बनी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देसी गर्ल की कैसी लग रही है देसी आउटफिट में. वैसे तो मैं आपको टी शर्ट्स पजामाज इनमें ही नज़र आती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप जो है यार सूट भी पहन लिया जाए, तमीज़ थोड़ी सी कर ली जाए. वैसे मेरे पास इतने सारे सूट पड़े हैं, बट मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहती हूँ और मुझे कंफर्टेबल क्लोथ्स जो हैं वो मेरे टी शर्ट एंड पजामा ही है, तो मैं उसी में ज़्यादातर रहती हूँ. तो ये वाला सीन है. आज अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं जो है यार, मेरे फेस पे लाइट ही नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों से कैसे बात करूँ. रुको, तो सीन ये है कि आज मैं प्रॉपर बनी हुई हूँ देसी गर्ल. तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि यार मैं देसी गर्ल कैसी लग रही है, ज़रा देख लो तुम लोग भी. सो दिस इज़ माई फुल आउटफिट. इसके नीचे ना थोड़ा खुला सा ट्राउज़र टाइप है कुछ, और ऊपर जो है ये वाली शर्ट है जो कि मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है. एंड मेरे बाल ड्राई हो जाएं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक पिक्चर बनवा लूँ. कैसी लग रही हूँ गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ. सच वाला बताना, झूठ मत बोलना, दिल तो बिल्कुल भी मत रखना, सच वाला बता देना प्लीज़. वैसे आप लोग दिल भी रख सकते हो मेरा, क्योंकि अगर आप लोग मेरा दिल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, कोई भी नहीं है दिल रखने वाला मेरा. तो आप लोग रखो ना मेरा दिल, फिर रख लेना ठीक है. रूम की मैंने एकदम चकाचक सफाई की हुई है, क्योंकि बस मुझे ना गंदगी पसंद नहीं है. मेरा दिल चाहता है मैं साफ़ सुथरी करती रहूँ, साफ़ सफाई करती रहूँ करती रहूँ, इसलिए मैंने अच्छे से सफाई की हुई है अच्छे से. एंड गाइस, थोड़े बहुत चेंजेस करूँगी मैं अपने रूम में और फिर फाइनली मेकओवर भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी दो चीज़ें मेरी ऑर्डर हुई हुई हैं वो आ जाएंगी, तो फिर मैं फाइनल वाला अपना रूम मेकओवर का वीडियो डाल दूँगी. तो मैं ना सोच रही हूँ कि आज आलू मेथी के ना पराठे बना के खाए जाएं, तो इसको निकालते हैं. ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट और एक सोच रही हूँ कि पास्ता बना लूँ, देखते हैं क्या करते हैं. पास्ता बनाते हैं, जो पास्ता बनाते हैं. मेरा पास्ता है ना कि मेरे पास पास्ते वाला, मतलब वो जो होता है ना पास्ता नहीं है, मतलब समझो शेप. तो मेरे पास मैक्रोनीस पड़ी हुई है और एल्बो मैक्रोनी पड़ी हुई है, उसके अलावा मेरे पास स्पैगेटीज पड़ी हुई हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैक्रोनी बना लेते. तो अब मैं बनाऊँगी मैक्रोनीस. और यहाँ पर जो है ये देखो, मैंने सब्जियाँ भी रख ली हैं और यहाँ पर मैंने चिकन बॉयल आने रख दिया है. ये जो है ये मैक्रोनी बॉयलिंग का पानी रख दिया हुआ है. एंड बस काम चल रहा है, उसमें बाल बांधती हूँ और जो है कटिंग चॉपिंग स्टार्ट करती हूँ. और इसको भी, इसका पानी गर्म होता है तो उसमें डालती हूँ. ये जी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो मैंने इसमें डालनी है कट कर ली हैं. और यहाँ पर जी हमारा चिकन भी बॉयल हो रहा है और मैक्रोनीस भी बॉयल हो रही हैं, और साथ साथ हम अपने ज़बान पर पानी लिए खड़े हैं कि बस मुँह में इतना पानी आ रहा है कि बस जल्दी से ना हमारा काम हो जाए, जल्दी से मेरा ये बॉयल हो जाए तो फटाफट मैं बनाऊं और बना कर जो है खा लूँ. बहुत ज़ोर की भूख लग रही है. और पास्ता किसको नहीं पसंद होता, पास्ता हर किसी को पसंद होता है, एवरीवन लव्स पास्ता एंड आई लव पास्ता टू. तो गाइस मेरा ना पास्ता बिल्कुल दम पर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये देखो,
ये देखो इतना शानदार, इतना मज़ेदार, इतना ही कोई मज़ेदार बनाना यार, इतना ही कोई मज़ेदार बना। बस इसको मैंने दम किया हुआ, दम लग जाए, दम के बाद हम इसको सर्व करेंगे एंड देन हम खाएंगे। बहुत टेस्टी बना, इसकी खुशबू चढ़ रही है जो मेरे दिमाग को ना, उसी से पता चल रहा है कि यार बहुत टेस्टी बना। ओके तो लेट्स मेक अ ट्रे ग्लास। बस ये जल्दी से हो जाए फिर मुझे सुकून मिलेगा। इसकी जो खुशबू है उठ रही है ना यार, इतनी मज़ेदार कोई खुशबू आ रही है, इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। काश आप यहाँ पे होते गाइस, आप लोगों को मैं चखा देती ना, आपने कहा था बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ये हो गया जी रेडी, चलो इसको हम अंदर लेके चलते हैं, लाइट बंद कर देते हैं पहले। खुशबू है ज़रा, खुशबू है ऐसी कमाल की उठ रही है ना इसमें। लेट मी स्विच ऑन द लाइट फर्स्ट, पंखा भी चला लेते हैं। वैसे अभी इतनी कोई सर्दी आई नहीं है, मुझे नहीं लग रही वैसे इतनी सर्दी, मुझे अभी आजकल गर्मी वाला सीन ही चल रहा है। तो अब मैं खाऊंगी मी मैक्रोनीस और साथ देखूंगी टीवी। टीवी में आज मैंने, कल मैंने बिग बॉस नहीं देखा था, बिग बॉस भी देखना है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। आओ देखो। तो गाइस यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आप ही के लिए रोटी, और यहाँ पर जो ये देखें बिग बॉस चल रहा है मोबाइल पर, बिग बॉस देख रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, एकदम से हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है अचानक से कुछ अजीब सा। तो गाइस मैं अब आप लोगों से मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट्स करने हैं। और आप लोग बताओ कि मैं ब्लॉग्स किस तरह के बनाऊं, किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हो, वो आप मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं वही वीडियो बनाऊँगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।